फूल चढ़ाकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तैयार हो गई है एंड आवर लवली डार्लिंग आरती अग्रवाल हु इज नॉट विद अस एनीमोर, शी हैज वर्कड इन सो मेनी फिल्म्स विद सो मेनी बिग स्टार्स एंड such lovely films and mujhe bada acha lagta hai ki that I got an opportunity to work with her. She's a fantastic human being, very emotional. She was all heart, in fact all heart and no brain, very very emotional person. Whatever she did with a passion, and maybe God, you know, likes people like that to be close to him. So this is an effort we made with fantastic talented director Mr. Bharat. So please have a look at this teaser, this trailer, and I hope for Aarti Agrawal's sake this film is received well by the audience, because this pretty much is her last film. So thanks so much for coming. इधर है कि उनको ब्लेस करने के लिए। ये पिक्चर पहले ही मेरे को खान साहब ने अपॉर्चुनिटी दिया था हिंदी में फर्स्ट शेट फिल्म करने के लिए, एंड टाइम मीडिया दोनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड ये पिक्चर स्टार्ट करने के पहले बहुत कुछ था बोले साहब से एंड आरती अग्रवाल ऐसे स्टार से करनी, मगर ये रिलीज टाइम पे आरती अग्रवाल नहीं है वो ये दुख का बात है। बहुत बात ना बात करना चाह रहा हूँ मगर आई कांट नो, बहुत मुश्किल से पिक्चर बना है। एक्सलेंट मूवी एंड मुकुल देव जी एक्सलेंट परफॉर्म एंड आरती अग्रवाल जी thank you very much. Thanks for the loss of was like Mukul ji told me, I didn't have the opportunity to work with her. I was called in the second half when the whole things were changed. Main jab meri entry bhi hai to puri film banne ke baad thi film jo hai khan sahab ne scrap kar di thi unko end song mein yaad tha to mujhe mauka nahi mila aap logon ke sath आप सब मैं काम कर चुका हूँ तेताली में, बट स्टिल मतलब ये तेलुगु फिल्म सेकंड है मेरी, फर्स्ट थी राजन्ना एस नेहरू, तो इस सब्जेक्ट बहुत प्यारा था और आई थिंक 5-6 घंटे के अंदर खान साहब ने जो मुझे बैकड्रॉप बताया अबाउट नक्सलाइट प्रॉब्लम जो इंडिया में आई थिंक इसे एवरी नुक एंड कॉर्नर चाहे बिहार हो साउथ हो, तो मुझे एक इशू है जिसको डील खास आप कर रहे थे और जो दिल के बहुत करीब है आम पब्लिक का। मैं अपने को एक्टर्स जो जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ सब बैठे हुए हैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गिरीश शायद जल्दी में थे वो निकल गए, बट आई एम थैंकफुल टू खासा एंड माई हार्ट गोज आउट टू आरती अग्रवाल, गॉड ब्लेस योर सोल एंड लेट्स गॉड ब्लेस दिस फिल्म दैट इट शुड सक्सीड and make money also. Thank you. Hello, a very good evening to everyone. I thank Mr. Bharli sir and my producer Rehman sir. It's a first project and I work with them. I work hard for this project. And I'm disappointed for like Aarti ma'am is not here. We have really waited for this day, this evening. So I only say ki let's pray for her soul, that wherever she is, she will be happy and we are also happy. Of course, because she has also done very hard for this project and thank you everyone. Thank you. सर्वप्रथम इस चित्रपट की कलाकार मोहतरमा आरती अग्रवाल जी को जो हमारे दरमियान नहीं है मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे यही प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर मौजूद तमाम कलाकार मंडली और सभी बंधु बहनों आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ
रहमान भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम दोनों हमेशा एक थोड़ी से फासले पे एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, जब भी ज़रूरत होती है हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे। इस फिल्म का जो इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताया कि ये फिल्म नक्सलाइट के ऊपर आधारित है और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा नहीं वाकई में हमारे देश को, हमारे मुल्क को इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत है जो हमारे देश के बेशतर अजला जो हैं डिस्ट्रिक्ट नक्सलाइट से प्रभावित हैं, जो हमारे देश को एक नासूर की तरह खाते जा रहे हैं, वो इसे ख़त्म करेंगे और इस चित्रपट के माध्यम से पूरे देश को एक अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। श्रद्धांजलि है आरती जी को, बहुत दुख है, इस बात का खेद है कि आज हमारे बीच नहीं है। अक्सर इसे खुशी का मौका समझा जाता है जब भी हम किसी फिल्म के प्रेस मीट पे मिलते हैं या मुहूर्त पे मिलते हैं, लेकिन आज इसकी शुरुआत में एक ऐसे नोट पे करनी पड़ी जहाँ पे जिसे ऐसा कहा जाए कि खेद का माहौल। तो आज हम एक इंसान के तौर पे उनके लिए प्रे कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि सब अपने दिल से जो भी दुआ निकलती है, जो भी प्रेयर्स निकलती हैं, वो उन तक पहुँचे और वो जहाँ भी हैं उनको शांति मिले, वो शांति ठीक से रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। मैं रहमान को कई सालों से जानता हूँ और बहुत ही मेहनती आदमी है, जिस तरीके से लगन से इन्होंने ये फिल्म में तेलुगु से डब है मलयालम, तो उन लोगों को एक ही टाइटल होने की वजह से लगा कि ऑपरेशन ग्रीन हैंड रक्त चरित्र के जैसा प्रेम टू प्रेम एक ही है, तो उन्होंने हैदराबाद में करवाने के लिए बोले। मैं बोला नहीं, अलग अलग है, 40% आर्टिस्ट और स्टोरी डिफरेंट है। तो उस दिन से लेकर आज तक लटक रहा है और मैं प्राइम मिनिस्टर को सबको लेटर से लिखता हूँ और इंशाल्लाह आगे लड़ता रहूँगा और लूँगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन लड़ते लड़ते बहुत वक्त निकल जाएगा। 6 महीना तो निकला है और वो हीरोइन ने आरती अग्रवाल जी ने फिल्म देखा और रात को 12 बजे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन लोगों ने जाके दूसरे दिन आज मुझे बोले कि वेट कम होने के लिए ऑपरेशन कर रहे हूँ, मुझे अच्छा नाम आएगा। मैं बोला मैडम एक्सरसाइज वक्सरसाइज करेंगे तो ठीक रहता है। उन्होंने कुछ किया, बॉम्बे में कम नहीं हुआ तो फिर अमेरिका जाके, और जाने के टाइम में बोले ज़िंदगी में मैं फिल्म तुम मुझे बता भी नहीं पाओगे, बोल के कि मैं बता ही नहीं पाया, गुनहगार हूँ सर आरती जी के लिए, सही फर्ज नहीं कर पाया। लेकिन रिलीज तो अब जल्दी करना चाहिए ना सर आपको, इसीलिए सर इनको 4 लैंग्वेज हमने कम किया है ऑल ओवर इंडिया रिलीज करने के लिए। अभी 2 दिया हूँ 2, इंशाल्लाह ट्रेलर्स प्रोमोज परसों में वो दिए हुए हैं और इंशाल्लाह इस मंथ आकर तक, जावेद भाई ने भी बात किया था, बाकी वेंकैया नायडू के OSD से भी सुधीर रेड्डी से फ़ोन आया था, जल्दी करके देंगे बोले हैं एज पर लीगल हक से। अब दूसरी बदलाव के लिए कोशिश करता हूँ सर, मैं बदला नहीं चाहता हूँ किसी। लेकिन आपने जो लेटर प्रेस को भेजा है उसमें लिखा कि सेंसर बोर्ड के ऑफिस में आपसे कोई मिलता भी नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, मुझे क्या, किसी को भी नहीं मिलते हैं। मिले तो बड़ी बात है। पहला जिलानी से आप मुलाकात कर चुके हैं? मुलाकात की, उन्होंने बोले भगवान को पूछो। अब भगवान को पूछने की मुझे टिकट लेके जाना पड़ेगा, शायद वो करना पड़े तो भी कोई हटूंगा नहीं, मगर लेके रहूँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। और 8 साल से नक्सलवाद देश पे सताया जा रहा है और नक्सल आम आदमी को मारते हैं, आम आदमी नक्सल को मारते हैं, और दूसरी बात क्या है कि पुलिस को मारने के चक्कर में, एक को मारने के चक्कर में कई लोग हो रहे हैं, और उसमें से मंगल कृष्णप्पा आंध्र प्रदेश नक्सलिज्म के माओइस्ट सेक्रेटरी थे, उनकी वाइफ ने जो मेरे साथ जो तकलीफें परेशानियां जो उनके मरने के बाद जो शेयर किए हैं, ऐसा किसी को नहीं होना है बोल के मैंने ये किया। उसे स्टेट कार्यदर्शी ऑल इंडिया होने के बावजूद भी वो मरने के बाद आज उनकी परिवार खत्म है, और नक्सलाइट से बारे में जानकारी लेने के लिए, तकलीफ लेने के लिए महीने भर साल जो मेहनत की हुई है वो बराबर है। मैं ये समझता हूँ कि जंगल में कानून नहीं बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। जब चाय बनाने वाले मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं प्रजातंत्र में, और आम लोग मंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक टीचर का लड़का आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो हम प्रजातंत्र में हैं तो क्यों नहीं हम हक से लड़ें। अगर किंगडम में हो सकता है जैसे नेपाल में था उस तरह हो तो शायद गन की जरूरत है, यहाँ पर पेन बस है और बैलेट ही एक गन है,
बोल के मैं सोचता हूँ, और हम लोगों ने इसी पे डिस्कस किया है। और आर्टिस्टों के बारे में बोलना चाहे तो हर एक को मैं शुक्रगुजार हूँ, लॉन्ग टाइम खींच 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 के फिल्म बनाने के बाद में भी आज भी कोऑपरेट है, क्योंकि खींचना इसलिए पड़ा कि हमेशा मुद्दा बदलते जा रहा है, हमेशा का करो ये करो। और आज मुकुल देव का शूटिंग है, अब उन्होंने मतलब मैं अनकॉन्शियसनेस में उनको पहले बता नहीं पाया, उन्होंने फिर भी टाइम लेके मेरे लिए आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और एक आदित्य, वो अब उन्होंने कड़पा दरगाह और तिरुपति गए हुए मन्नत मांगने के लिए, अब आर्टिस्ट तो ऊपर ही चले गए। और टाइम वालों के बारे में ये बताना है कि हर बार मेरे साथ खड़े रहें, और इस 6 महीने कोई प्रोजेक्ट डिले करता है तो बैयर हट जाता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बैयर हटा नहीं है और मैं लड़ूंगा। थैंक यू यहाँ आए हुए पत्रकारों को और विकास जी को और सबको, मैं शुक्रगुजार हूँ सर। अगर मेरे वजह से बोलने में या कुछ गलती हुई रहे तो माफ करके आगे करना। ये नक्सलाइट बदल के पब्लिक में आते हैं, और उसके लिए एक सुभाष चंद्र बोस से मिलिट्री में लड़े हुए कैरेक्टर सुभाष चंद्र बोस के साथ 1942 अक्टूबर 21 आज़ाद हिंद फौज में सोल्जर बने हुए सुरेश सौरभ दुबे साहब ने उसको लीड करते हैं और उन लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्यों रखे हुए हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ टीम है, आज कोई भी नहीं दिख नहीं रहे, तो 6 आदमी जिंदा है, उनमें से अपना कैरेक्टर फिल्म का एक रहे तो क्या करेगा ये नक्सलाइट प्रॉब्लम को, वही सोल्यूशन सौरभ दुबे जी के साथ हमने करवाया था। आर्मी भी रेमुनेशन लेके लड़ता है, ये लोग नहीं लड़ते हैं, बट दैट वे इज नॉट करेक्ट माई ओपिनियन। और नक्सलवादी के खिलाफ, नक्सलवादी के खिलाफ चले एक ऑपरेशन के तहत इसका टाइटल दे सर, ऑपरेशन ग्रीन एंड टाई, तो नक्सल को पकड़ के बंद करना गवर्नमेंट ने बनाई, ये ऑपरेशन ग्रीन एंड टाई पकड़ के पकड़ में लाना नहीं, तो क्या ये पूरी फिल्म उस ऑपरेशन के ऊपर आधारित नहीं है ना? नहीं, वो मीनिंग है कि वो पकड़ के पकड़ना चाहते हैं, या ये चाहते हैं पकड़ के पब्लिक में लाना चाहिए, कॉन्सेप्ट एक ही है, मगर वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये वे अलग है। सरकार की ओर से जो अत्याचार होता है, पुलिस का जो अत्याचार है, उस वजह से भी नक्सल बनते हैं। सर पुलिस का अत्याचार हुआ क्या सर, ये देश में मंत्रियों को सजा नहीं हुई, जजों को सजा नहीं हुई, अगर सही सबूत हम पेश कर सकते हैं तो क्यों नहीं होती है? मतलब हम सबूत पेश नहीं कर सकते, इसमें आपने वो ठीक हम सब जानते हैं, इसमें दिखाया आपने सब? हाँ सर, अगर सबूत, अगर क्या है, गवाह डटता है बोलते ना सर, अगर 200 जिलों पे हमारी ऊपर चलती है कहने वाले नक्सल अगर साथ रहे तो कोई डरा सकता है सर गवाह को? मतलब हम लड़ने में कामयाब नहीं। अच्छा, और हिंदी से डब है, तमिल में, तेलुगु से डब है, मलयालम में डब वर्जन रोकने की वजह से आज फिल्म रुकी हुई है, और इस पे मैं फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल फिल्म के हीरो मुकुल देव से सर, अनएम्प्लॉयड है जिसे आप कह सकते हैं कि द यूथ रिप्रेजेंटिंग द यूथ ऑफ आंध्र प्रदेश और जो भी इसकी प्रमाइस है, अनएम्प्लॉयड लगा है, इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं इसकी लाइफ में कि ये नक्सलवाद की तरफ उस मूवमेंट में जुड़ जाता है किसी न किसी, और उसके बाद वहाँ पर जाके सारी चीज़ों को देखने के बाद वनी सीज होल थिंग क्लोज डर्स, तो उसको पता लगता है कि ये गलत है, और उसके बाद कैसा इसका रेफॉर्मेशन है उसके बाद, बट एंड में फिर क्या होता है, परफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता, उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये 4 वर्जन है, 6 हैं। हाँ जी, तो आप चारों में? हाँ जी, फिल्म तो वही है, और उसकी लैंग्वेज अलग अलग, मतलब अलग अलग भाषा में अब होगी, तो मैंने तो ये फिल्म तेलुगु में की थी, उसके बाद में बनी है और आगे जहाँ जहाँ लेके जाएंगे इनका कॉपीराइट है। मैंने जी 16-17 फिल्में की हैं तेलुगु में, तो वो वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो प्रॉम्प्टर लेके दिखा देते हैं, तो उसको इंग्लिश, रोमन इंग्लिश में लिख लेता हूँ, तेलुगु को प्रोनाउंस कर लेता हूँ, अब थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ। सबसे बड़ी बात अगर आज देखें कि जितने भी पंजाबी चैनल है जी, सब पे मुकुल देव सबसे पहले नजर आते हैं। क्या बात है, थैंक यू। तो तेलुगु में भी काफी काफी नजर आ रहे हैं जी, जी। तो काम करने में कहां मजा ज्यादा आ रहा है? देखिए, मजा तो हर जगह आ रहा है, क्योंकि फिल्मों की भाषा एक ही है, फिल्मिंग इन बॉम्बे, साउथ इंडिया, नॉर्थ रिवेयर इज द सेम, लेकिन पंजाब में ये है कि हमारी वो अपनी मिट्टी है,
वहीं के जम्मे में तो वहाँ थोड़ा और मन लग जाता है, बट आई वर्क एवरीवेयर एंड कमिंग टू साउथ इंडियन सिनेमा एंड तेलुगु सिनेमा, उसमें ये कि यू गेट टू वर्क विद सम ब्रिलियंट टेक्नीशियंस इंक्लूडिंग भरत सर, पीपल नो देयर जॉब बट टेक्निकली वेरी वेल एजुकेटेड एट द सेम टाइम अपार्ट बीइंग क्रिएटिवली वेरी एजुकेटेड, तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और टेक्निक का बहुत योगदान है साउथ इंडियन सिनेमा। आरती के साथ ये पहली फिल्म है, इससे पहले भी काम किया? जी, एक ही फिल्म की मेरे साथ। साउथ में साउथ में बनी है, कौन सी लैंग्वेज में सेंसर हो गया? दो 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 हिंदी हो गया, हिंदी तेलुगु हो गया, दो अभी डब लैंग्वेज बचे, हिंदी और तेलुगु में हो गया, क्या प्रॉब्लम होना चाहिए सेंसर बोर्ड को? आप जानना चाहिए सर, सेंसर बोर्ड आर्टिकल रूल 5.1 चेयरमैन अंडर सेक्शन आता है कि जहां ओरिजिनल वर्जन कराओगे उधर ही डब वर्जन कराना है। कुछ खास नहीं, वो मेरी पहली फिल्म काफी चल गई थी वहाँ पे, कृष्णा उसका नाम था, रवि तेजा के साथ, तो उसके बाद फिर काम आता रहा करते गए। जी जी हाँ हाँ सर, सिंस यू हेल फ्रॉम अ पुलिस फैमिली, जी व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन ऑन द नक्सलाइट मूवमेंट? इट्स डेफिनेटली अगेंस्ट द लॉ, आई वुड फील, आई विल टॉक लाइक अ पुलिसमैन सन, इट्स नॉट लॉफुल, इट इज नॉट लीगल फॉर दैट मैटर, एनी सच मूवमेंट दे आर नॉट लीगल मूवमेंट्स, दे आर नॉट लॉफुल एंड इन माय कैरेक्टर, जो मेरे कैरेक्टर की प्रोग्रेशन है इस फिल्म में, I have tried to portray the futility of such a thing, because जब आप नक्सलवाद कहते हैं तो there is violence included, so anything which goes violent for me it's against the law. Thank you. Only now cast, only cast of the film. हिंदी से तेलुगु हिंदी देखिए, डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ, मिस इन द सेंस कि मतलब हम कुलीग्स ज्यादा थे, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो ड्यूरिंग शूटिंग, तो मिस करने से ज्यादा बुरा लगता है जब आदमी चला जाता है, ऐसे इंसान चला जाता है, और उनकी याद में इस फिल्म को रिलीज़ करना मेरे हिसाब से वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो इस फिल्म से काफ़ी अटैच थी और वो चाहती थी कि ये फिल्म रिलीज़ हो, और काफ़ी अरसे से फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी, तब उनके जाने के बाद रिलीज़ हो रही है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बातें जो आपको याद रहेगी, साथ ऐसी बातें हुई, कोई ऐसी घटना हुई या कोई सीन कोई फिल्माने की? घटना तो ये हुई कि मुझे इसमें डांस वांस बहुत करना था, तो कुछ गानों में मैंने डांस किया है, तो मुझे डांसिंग में अब उतना कंफर्ट मेरे को नहीं लगता है, थोड़ा अजीब लगता है डांस करते हुए, तो मेरा मजाक बहुत उड़ाती थी, बिकॉज आई हैड टू लेफ्ट फीट, और हमने कहीं कहीं जंगलों में जाके बहुत शूटिंग की, बहुत रिगरस शूटिंग थी, तो काफ़ी वक्त बिताया हमने एक दूसरे के साथ, और बड़ा अच्छा उन्होंने और उनके फादर ने मुझे अपने घर में भी वेलकम दिया जब मैं हैदराबाद गया, क्योंकि मैं तो बॉम्बे से था, तो एक लाइक अ फैमिली दे ट्रीटेड मी। फिल्म की बात करो, फिल्म नक्सलवाद का जी, क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म नक्सलवाद के ऊपर है, और नक्सलवाद कैसे पनपता है और क्यों पनपता है और उसके पीछे कारण क्या है, और गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है, और पब्लिक पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ हैं, वो इस पूरे इस वेव में कैसे घुस जाते हैं, वो तो उनके बारे में ये फिल्म है। सर, आपका क्या किरदार है फिल्म के अंदर? मेरा किरदार एक आम आदमी का है जो नक्सलवाद में घुस जाता है, खिंचा चला जाता है उसके अंदर,
और फिर उसके बाद उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं नक्सलवाद को लेके, नक्सलाइट्स को लेके, और कैसे फिर उसका रेफॉर्मेशन होता है, उसमें बदलाव आता है, और कैसे उसकी वापसी होती है। थोड़ी सी ट्रैजिक एंडिंग है इस फिल्म की, लेकिन अच्छी है। पंजाब और तेलुगु दोनों में बॉलीवुड कहीं छूट नहीं जा रहा आपसे? जी पिछले साल मेरी मेरे ख्याल 4 फिल्में रिलीज हुई बॉलीवुड में, इस साल 4 और हैं। तो जी सेंसर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं रजामंदी मिली। मेरे हिसाब से फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं जो उसको रजामंदी ना मिले। बड़ी सीधी सी कहानी है, सिंपल सा नरेटिव है इसका। तो आई डोंट नो, कुछ होगा, कोई टेक्निकल का चक्कर होगा। राइट, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों। फिल्म नक्सलवादियों के ऊपर बेस है। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है फिल्म के बारे में, बिकॉज आई एम देयर इन द सॉन्ग। मैं अपने सॉन्ग के बारे में बात करूँगी। तो मेरा सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, चाहत की चटोरी थी मैं, टाइटल इज। एंड हमारे मास्टर जी जो अभी यहाँ पे नहीं है फिलहाल, तो बहुत मेहनत की है मैंने हैदराबाद में पहले इसका हमारा रिहर्सल हुआ था, देन हमने फिल्म सिटी में गाना शूट किया है, विच इज़ लाइक 3 डेज ये सॉन्ग चला है, जिसमें मुझे फीवर भी हो गया था, मुझे चोटें भी बहुत लगी थी मेरे पैरों पे, क्योंकि साउथ का आपको पता है बहुत हार्ड वर्क होता है और बहुत मेहनत कराते हैं। और मैंने डांस किया है इससे पहले भी, बट मैंने ऐसा डांस नहीं किया था जैसे उन्होंने कराया है मुझे। इसमें इन्होंने हर तरह लाइक इसमें इंग्लिश भी है, इसमें अरेबिक सॉन्ग भी है, तो मैंने बेलीज भी की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी 6 कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा चेंज है, मेरे लुक अलग अलग दिए उन्होंने, 6 लुक्स दिए हैं उन्होंने मुझे अलग अलग, तो अच्छा है, आप लोग देखिए अच्छा लगेगा। हाँ, या आरती जी को मैं मिली हूँ हैदराबाद में, शी वॉज लाइक वेरी डाउन टू अर्थ। एक्टर्स नॉर्मली मतलब होते नहीं हैं, शी वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, शी वॉज वेरी नेचुरल, होता ना एक नेचुरल, शी वॉज नेचुरल, जो बोलती हैं वो पे बोल देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मन में कोई चीज़ छुपा के रखी है। शी हेल्प मी ऑल्सो, उन्होंने भी बताया कि कैसे क्या करते हैं, बिकॉज मेरी ये फर्स्ट मूवी है, एंड अभी मैं टीवी सीरियल्स कर रही हूँ फिलहाल तो, एंड देखते हैं। वैसे उनके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा, वो बहुत अच्छी हैं। मैं सोच रही थी कि मैं उनको ऑडियो फंक्शन में मिलूँगी, पर सडन डेथ की वजह से मैं, देखते हैं जो भी होता है, मैं मिल नहीं पाई उनको। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या? मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अभी मैं सहारा 1 पे जय जय बजरंग बली आता है उसमें वर्क कर रही हूँ एज अ महामाया, और मैं उनके 3 प्रोजेक्ट्स और स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें उनके एक डीडी का प्रोजेक्ट है, एक बिग मैजिक है, एक सब टीवी का प्रोजेक्ट है। मैं तीनों में हूँ फिलहाल तो, और मैंने उनका एक और शो भी किया है आस्था जो सहारा पे आता है, प्लस मैं एक मूवी कर रही हूँ जो हमारी यूपी में बेस है, जो मैं लखनऊ से हूँ फिलहाल तो, वो कानपुर के ऊपर बेस है मूवी, वो मैं कर रही हूँ। प्लस 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे पता करेंगे अभी। थैंक यू, थैंक यू। रात लगा देव बरस सर, फिल्म की कहानी नक्सलवाद पे है, कई फिल्में पहले भी आ चुकी है, इसमें क्या अलग है? हर कहानी अलग अलग होता है, इसमें क्या है बोले तो नक्सलाइट पुलिस बीच में आम आदमी बहुत लोग मांग रहे, उनका कसूर भी थे, क्यों ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों ऐसा एक सिटी सेंटर में बम लगा के होम मिनिस्टर को दास करते हैं। अरे पेट्रोल बढ़ गया बोले तो आम आदमी से प्राइम मिनिस्टर तक बात कर रहे हैं, इतना सीरियस मैटर को क्यों सीरियस नहीं ले रहे, क्यों इसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने को नहीं चाह रहे, क्यों नहीं चाह रहे? तो हमारा ये क्या बोलता हूँ, फॉरेस्ट में रह के लड़े तो कुछ नहीं होगा, अभी नहीं, और एक 20 साल हो, 50 साल हो, 100 ईयर्स हो, आओ पब्लिक के अंदर आओ, हम इट्स अपना राइट्स है, असेंबली में बैठो, पूछो, आप ही ऑर्डर करो, यही हमारा सोल्यूशन भी दिखाया गया है। यस यस, डेफिनेटली। आरती जी की बात करें, हाँ, इट्स वेरी गुड आर्टिस्ट,
तेलुगु में इतना पिक्चर्स किया, एक 20 पिक्चर्स किया, हर बिग स्टार चिरंजीवी एवरी इतना अच्छा पिक्चर किया, पूरा हिट, और लड़की का पिक्चर में काम किया और पूरा हिट। मेरे को फर्स्ट टाइम ये पिक्चर स्टोरी लेके गए तो ना मेरे के आते आते मेरे स्टोरी सुन के इमीडिएटली दे दिया, मैं इतना खुश हुआ। अच्छा स्टार से मुकुल देव को क्यों सेलेक्ट किया बोले तो ये टाइलर में देखते ही नक्सलेट जैसा दिखता हूँ, इसलिए उनको लिया था। रवि काले जी एंड पोसान कृष्ण मुरली और ये पूरा किया ना, बहुत अच्छा किया। तो आरती अग्रवाल से काम इतना खुश है मेरे को, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा बताए तो ऐसा पकड़ लेता हूँ, अच्छा डांस भी करता है, हाँ वेरी फ्रेंडली मूवमेंट, बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ। वो पूरा याद आए तो बात करने में भी थोड़ा ये हो रहा है। सो वेरी एक दो महीने मरने के पहले जस्ट टू मंथ बिफोर आई मेट हर। सेंसर बोर्ड क्या अटकी हुई, क्या बात है? रिलीज हिंदी में हुई है तो हिंदी में रिलीज कर दो, क्यों नहीं किया? स्मॉल टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएंगे, प्रॉब्लम लेट नहीं होगा, लेट नहीं होगा, अभी लेट नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू। क्या शुरू कर लेते हैं? क्या वजह थी आपको कि नक्सलवाद को चुना पड़ा? सर जीना भी है तो क्या है, साइमल्टेनली एक ही सब्जेक्ट ऐसा चुनो कि चार जगह चढ़े, और डबल लैंग्वेज बनाने से यह फायदा है कि 40 दिन का एक एक लैंग्वेज का शूटिंग हो तो दो लैंग्वेज, अगर डायरेक्ट शूट करना हो तो 80 डेज लग जाता है, 60 डेज में काम हो गया, बजट भी बच रहा है इंटरनेशनल मुद्दा लेने की वजह से, नेशनल मुद्दा लेने की वजह से, और जो संदेश देना चाहता हूँ वो भी दिए जाए इकोनॉमिकली और दो भी। सर हिंदी तेलुगु में नहीं अटकी है, ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं अटकी है, डबिंग में अटकी है। तो फिर रिलीज कर देंगे, कम से कम थोड़े से पैसे निकल गए तो आपके लोग के पैसे निकल गए होते, पैसे भी नहीं निकलते तो लोगों तक तो आपको संदेश जाता ही क्या, आपको नहीं लगता कि जिन दो लैंग्वेज जब नक्सलाइटों से ही लड़ के जनजीवन स्रवंती में आ जाओ पब्लिक में बोल रहा हूँ तो क्या एक सेंसर बोर्ड के चेयरमैन के ईगो को डरूं मैं? ईगो को नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि चार दो लैंग्वेज नहीं हुई है तो अगर आप मैडम ओरिजिनल क्या है, सही बात है और सही बात, बेशक आपने मेरे हमदर्द हैं इसलिए बोल रहे हैं। मैं क्या सोचता हूँ, हिंदुस्तान मुझे जो राइट्स दिया है वो राइट्स के लिए मैं लड़ सकता हूँ, और दूसरी बात क्या है, कंडेम्ड अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून का ही खिलाफ, मतलब देशद्रोह के बराबर होता है, शायद उनको समझ में नहीं आता है, वो समझ में आ जाऊंगा या मुझे उसके लिए जो करना पड़ेगा होने के बाद भी आप कर सकते हैं। सर क्या है, जैसे सुनिए ये खरीदे हुए हैं, मैं इनको मैं बेचा हूँ, सुनिए ना मैं, सर आई एम नॉट इगो, मैं बदलाव नहीं चाहता हूँ। नहीं पर एक्चुअली क्या है, चार लैंग्वेज इनको कमिट किए हुए हैं तो ये क्या सोच के मेरे से फिल्म बाइंग की है कि भाई उधर से थोड़ा आ गया। एक बात मैं बोल रहा हूँ कि तेलुगु हिंदी ब्लैप हो गई, बाकी लैंग्वेजों के इनकी इकोनॉमिकल पोजीशन क्या होगी? जो स्ट्रैटेजी थी कि चार लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली रिलीज करने के लिए, अभी जब हमें ओरिजिनल लैंग्वेजेस का सेंसर आ चुका है, हिंदी और तेलुगु का आ चुका है सेंसर सर्टिफिकेट, तो ऑब्वियसली अभी ज़्यादा वक्त नहीं लगता एक डब वर्जन करने के लिए। सो देन यू स्पेंड टाइम एंड मनी कि आप एक मूवी को सेंसर हो गया उसको भी डब करेंगे, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि ठीक है अभी फोर लैंग्वेज होगी तो आप साइमल्टेनियसली रिलीज करेंगे, फिर आप सेंसर बोर्ड जाते हो कि चलो ठीक है कितना टाइम लगेगा, अप टिल नाउ 16 टाइम्स सेंसर बोर्ड जाके आए, कोई रीजनल ऑफिसर नहीं है, कोई आंसर नहीं कर रहा है, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग इन राइटिंग, हमें राइटिंग में नहीं दे रहा है, कोई कंफर्म आंसर नहीं दे रहा है कि ये होगा नहीं, कि 6 महीने बाद होगा, कि इतने टाइम बाद होगा, तो हाउ आर वी सपोज टू एज अ बिजनेस, हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, हम कैसे आगे बढ़े जब हमें पता ही नहीं है कि सेंसर बोर्ड क्या बोल रहा है। पर अगर मैं ओरिजिनल लैंग्वेजेस नहीं, लालच की बात नहीं है, लालच की बात नहीं है, पर अगर आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज कर लेता हूँ, ओरिजिनल लैंग्वेज सब लोग देख के आए, चलो ठीक है नो प्रॉब्लम, बट देन हु इज गोइंग टू गो फॉर द डब्ड वर्जन वंस ओरिजिनल इज आउट, और आप 2 महीने बाद डब निकालेंगे तो दैट डज नॉट मेक बिजनेस सेंस। आप अगर निकाल रहे हो तो साथ में निकालेंगे, क्यों सर बाहुबली निकाल सकते हैं, रक्त चरित्र निकाल सकते हैं, तो क्या रहमान खान नहीं निकाल सकता? सर क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, मतलब आप कुछ नहीं, सेंसर बोर्ड कुछ नहीं, सेंसर करके दे दे दे, और दूसरी बात आगे किसी को ऐसा नहीं होने का मुझे अश्योरेंस चाहिए सर, मैं अभी चुपचाप बैठा हूँ रमजान महीना, मन अभी आई विल फाइट इट, चाहिए तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मुझे कोई ये नहीं है। अरे सर एक बात बताऊं, इस सीमेंट में जा रहे हैं
लास्ट फिल्म है, उनसे किस तरीके से आप लोगों की मेमोरी जुड़ी? क्या है मैडम यहाँ पे, मैं उनको पकड़ूंगा थोड़े लोग लड़ते लड़ते जो है ना, दोनों ऐसे हो गए कि हिंदी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने जाके, मैं हैदराबाद में था, हिंदी मतलब दिखाओ दिखाओ बोल रहे थे, तो मैं ऐसे ही टाल रहा था कि इनको आर्टिस्ट को क्या बताऊँ, तो उन्होंने रात में जाके फिल्म देखे 11:30 बजे, मुझे मालूम नहीं है स्टूडियो वालों को, उनको देखे सबको, 1000-2000 टेक्नीशियनों को पैसा दिए, तो रात को 11:30 बजे फ़ोन किए कि मैं रहमान जी मैं फिल्म देख ली, बोला फिल्म कहाँ से देखेंगे भाई, तो बाद में म्यूजिक डायरेक्टर ने वो बाजू में रह के बोला कि रहमान भाई ये बहुत जिद कर रहे थे इसलिए मैं बताया, तो वो फिल्म देखने के बाद फिर मुझे घर पे बुलाया कि देखिए अपना ICICI बैंक के पास बुला के कि बोले रहमान जी इसमें तो मुझे बहुत अच्छा नाम आ जाएगा, मैं हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है, जैसे तेलुगू में विजय शांति हुआ करते थे, रेखा जी हुआ करते थे, उस तरह मैं हो जाऊँगी, अभी मैं वेट कम होना चाहती हूँ। मैं बोला मत कीजिए, कब पहले मतलब, बोले नहीं नहीं मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने करवा के आया है और ज़्यादा कम करने के लिए, ऑडियो फंक्शन होने के बाद जाएंगे बोल के सोचा था, 4 लैंग्वेज का ऑडियो फंक्शन दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टरों के साथ रखने के लिए 3 बार मैं अप्रोच होके कैंसिल किया हूँ बिकॉज सेंसर। तो बेसिकली आरती आल्सो वांटेड टू सी द फिल्म, उन्होंने बताया था कि यू नो कि मूवी देख ली है, उनको भी बहुत अच्छा लगा, शी वाज वेरी एक्साइटेड अमंग्स ऑल द स्टार अमंग्स ऑल द कास्टिंग, बहुत एक्साइटेड थी वो कि हाँ यू नो आई फील दैट आई हैव डन अ गुड जॉब, मैंने अपने परफॉर्मेंस अच्छा किया, ये वो आप रिलीज करो ये पिक्चर जल्दी रिलीज करो दिस इज दैट। वो उन्होंने कितने कॉल किए होंगे रहमान जी को भी, कभी ये रिलीज कभी ये फंक्शन कभी आप सेंसर कर रहे हैं, पर 6 महीने ऐसे निकल गए सेंसर बोर्ड के, एंड 6 मंथ्स इज अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो इट्स अ वेरी बिग हरासमेंट, और हमने वीव रिटन टू 15 डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, सब लोग को हमने लेटर्स भी लिखे हुए, दे हैव रिप्लाइड सेइंग दैट दे आर गोइंग टू लुक इनटू द मैटर, यू नो, तो वो एक फेज आ गया जहाँ पे मूवी अटक गई और आरती कुड नॉट सी द रिलीज ऑफ द फिल्म, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही और मिल गया आपको, नहीं फिल्म हिस्ट्री बन सकती है। अभी वो तो ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, अभी कैसे उसमें जनवरी में मुझे डिलीवरी देना था, ये लोग को 26 जनवरी को रिलीज करना था, डिले होते होते आज मेरी पोजीशन ये है, आप जानते हो जब लेना पड़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब देता हूँ बोलने के बाद फिर परेशानी स्टार्ट होती है, गुस्सा नहीं आता है सर, मतलब हंसी आती है कैसे बेवकूफ आके काम बैठ गए। सर आपको इंस्पायर किसने किया इस फिल्म को बनाने के लिए, मतलब कि नक्सल को पर फिल्म बनाई जाए? सर मेरे गांव में मंगली कृष्णप्पा, ऑल इंडिया माओइस्ट कार्यदर्शी सेक्रेटरी, उनके बीवी बच्चों ने, उनके बीवी मेरे गांव के बाजू में, उन्होंने जो दुख उनके मरने के बाद उनका परिवार जो बांट रहा है ना वो, और रोज़ पेपर देखते हैं, कई सारे आते हैं, तो सर कुछ वक्त पे यंगस्टर में हर आदमी वो दौर से मोड़ता है, शायद मैं भी वो रास्ते में चला हूँ, मतलब अट्रैक्शन, मतलब गन लेके घूमना नहीं है और पेन लेके अच्छा है भाई बोल के सोचे हो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।